सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पुलवामा में शहीद हुए भारत के 40 जवानों का बदला, पाकिस्तान की जमीन पर घुसकर वहां चल रहे आतंकी ठिकानों को खत्म करके दिया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। कहा जा रहा है कि इस एक्शन में करीब 300 आतंकवादी मारे गए हैं। इस एक्शन का प्लान पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद ही बनाना शुरू हो गया था। इसे बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, भारतीय सेना, वायुसेना समेत बड़े अधिकारी शामिल थे। 15 पॉइंट्स में समझे कैसे इस बड़े एक्शन की प्लानिंग हुई। नंबर 1, पुलवामा आतंकी हमले के बाद 15 फरवरी को हुई CCS की बैठक में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान से बदला लेने के ऑप्शन दिए गए। नंबर 2, इसी बैठक में फैसला हुआ कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजीत डोभाल को इस प्लान को फाइनल रूप देने के लिए कहा। इस प्लान में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल BS धनुआ भी शामिल रहे। बैठक में ही तय हुआ कि पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। नंबर 4, रो और IB समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने सभी इनपुट दिए, जैश के ठिकानों की पुख्ता जगह बताई। नंबर 5, थल सेना को भी अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भी जवानों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया। नंबर 6, एयर स्ट्राइक से 2 दिन पहले ही प्लान फाइनल हुआ जिसमें तय हुआ कि मिराज 2000 के साथ AWACS को भी तैनात किया जाएगा। मिराज 2000 ग्वालियर एयरबेस से तैनात होंगे और आगरा एयरबेस को भी मदद करने के लिए कहा गया। नंबर 7, बरेली में स्थित एयरबेस में तैनात सुखोई 30 को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया और ऑपरेशन के दौरान मिराज को कवर देने के लिए कहा गया। नंबर 8, 25 फरवरी की शाम को ऑपरेशन को फाइनल रूप दिया गया। ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हर व्यक्ति के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए। नंबर 9, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA अजीत डोभाल, वायुसेना प्रमुख PS धनोआ इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। नंबर 10, जैसे ही मिराज 2000 ने ग्वालियर से उड़ान भरी तो आगरा बरेली के एयरबेस को भी अलर्ट कर दिया गया और पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम पर निगाहें रखने के लिए कहा गया। नंबर 11, LOC के पास 10 सुखोई लड़ाकू विमान अपनी पोजीशन पर आए। 12 मिराज विमान सुबह 3 बजे पाकिस्तानी जमीन में दाखिल हुए। नंबर 12, जैसे ही मिराज पाकिस्तानी सीमा में घुसा तो भारतीय सिस्टम ने विमान को सूचित किया कि पाकिस्तानी F-16 विमान इस समय अलर्ट पर हैं। नंबर 13, जब भारतीय विमानों ने आतंकी अड्डों पर बम गिराए तब तक पाकिस्तान का F-16 कुछ नहीं कर पाया। F-16 बालाकोट तक गया और भारतीय विमानों को देख वापस लौट आया। नंबर 14, 25 मिनट के अंदर भारत के मिराज इस ऑपरेशन को अंजाम देकर भारत वापस आ गए। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद जैश के अड्डों को खत्म कर दिया था। नंबर 15, सफल ऑपरेशन के बाद इसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई। सुबह 4 बजे ही साउथ ब्लॉक में बड़ी बैठक हुई। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपनी व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।